हेलो एवरीवन, आज कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलो एसिड के मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है हेल वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन। ये अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक होना चाहिए, उसके अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, रिएजेंट के रूप में रेड फॉस्फोरस और हेलोजन होना चाहिए, और यहाँ प्रोडक्ट के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन को जोड़ना। दूसरा, दूसरा मेथड है मेलोनिक एसिड से अपन को हेलो एसिड प्राप्त करना। ये रहा मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड है उसका पहले हेलोजिनेशन करेंगे हेल वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन के द्वारा, फिर उसको हीट कर देंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, अल्फा हेलो एसिड मेथड। कार्बोक्सिलिक के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना और हेलोजन को जोड़ना, उसके बाद में जो हीट करेंगे तो CO2 गैस का एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। अगला है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड से अपन को हेलो एसिड प्राप्त करना। अब जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने पर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे, तो CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो कौन जुड़ेगा, Br, और H है वो कहाँ जुड़ जाएगा, CH पर। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर CH पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये है कि यहाँ पर जो HBr का एडिशन होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर होगा, दैट मीन्स माइकल एडिशन होगा, और Br है वो कहाँ जुड़ेगा, CH2 पर, और CH है वो कहाँ जुड़ेगा, CH पर। इसका मतलब ये जो HBr का एडिशन है वो एंटी मारकोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण इस बीटा कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है तो यहाँ कौन जुड़ेगा, Br, इसलिए ये जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा, एंटी मारकोनिकोफ एडिशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसका मतलब अब अपन को हेलो एसिड से प्रोडक्ट प्राप्त करने हैं। तो देखना NaOH की रिएक्शन जब भी कराएं सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, O पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर एल्किल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ये ओ नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ओ है वो इस CH पर जुड़ जाएगा और एक क्या बन जाएगा, बीटा इलेक्ट्रॉन, और बीटा इलेक्ट्रॉन है एक फॉर्मेमेड रिंग है जिसमें रिंग के अंदर एक लोन पेयर होने के कारण ये अनस्टेबल होती है। इसलिए यहाँ पर जब भी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से प्रोटॉन गया, O पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, फिर दूसरा मोल लेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cl, अल्फा और बीटा के ऊपर कौन सा जाएगा, डबल बॉन्ड, इसका मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलेट बनेगा, फिर एसिडी मीडियम में देंगे तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा कंपेरेटिवली किसके, बीटा इलेक्ट्रॉन के। अगला है, अब है इसमें जो Cl है वो अल्फा बीटा और कहाँ है, गामा, जो कि पहले वाले में कहाँ था, बीटा पे था, तो यहाँ ये जो H और यहाँ से Cl है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। आगे चीज़ फिर से बताऊँ,
ये यहाँ पर कौन है एच, ये यहाँ आया और यहाँ से कौन निकल गया सी एल, तो क्या प्रोडक्ट बना सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर कौन है सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए पहले वाली रिएक्शन यहाँ नहीं हो सकती। अगली, यहाँ इस ओ पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कौन आ जाएगा सी एल, इसका मतलब ये ओ है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ओ है वो किससे जुड़ जाएगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा। एल फॉर बीटा हो गया, तो ये क्या बन गया गामा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यदि गामा पोजीशन पर हेलोजन है तो इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यदि बीटा के ऊपर है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है, दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो डोमिनेट होगी। आगे है हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड में इसका मतलब अपन को हाइड्रोक्सी एसिड का सिंथेसिस करना है, जैसे ये रहा हाइड्रोक्सी एसिड लैक्टिक एसिड, इसके सिंथेसिस के लिए देखो इससे, इसका मतलब यहाँ ओ एच और यहाँ कौन है सी ओ, तो इस सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच एच सी एन से रिएक्शन करवा दी साइनोहाइड्रिक, और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड बनता है, याद रखें। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अपन को अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाना हो तो कोई एल्डिहाइड ले, उसके ऊपर एच सी एन की रिएक्शन साइनोहाइड्रिन, फिर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और ये बन जाएगा दूसरा मेथड। यहाँ जो ये ओ एच है वो लाना है, तो इसलिए इस ओ एच की जगह मैंने क्या ले लिया सी एल, रिएक्शन किससे करा दी एन ए ओ एच से, एन ए ओ एच में ओ एच नेगेटिव क्या है एक न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब जब भी एल्किल हैलाइड से एल्कोल, देखो एल के कार्बोक्सिलिक तो एसिटिज है ही, एल्किल हैलाइड से एल्कोल बनाना हो तो एनएच के साथ रिएक्शन करवा के एसिडिक मीडियम से हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। अगला है कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री, 1 डिग्री एल्कोल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर किस में कन्वर्ट करते हैं एसिड में, ये प्रोडक्ट रहा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, यहाँ अपन को ओ एच है लाना है, तो ओ एच लाना है तो यहाँ एलोजन की जगह मैंने क्या ले लिया एन एच टू, और एन एच टू की जगह ओ एच लाना हो तो अपन रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड, या कह दूँ सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाएं, तो एन एच टू की जगह क्या प्राप्त होता है ओ एच। कैसे होगा कि पहले एन एच टू है वो किस में कन्वर्ट होगा डाई एजोनियम सॉल्ट में, और डाई एजोनियम सॉल्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कौन आ जाएगा ओ एच, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए डाई एजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, यहाँ से एन टू निकल जाएगा और क्या जाएगा ओ एच। अगला है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन आपने पढ़ी थी पहले कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या है एच, इसकी रिएक्शन मैंने सी एच टू और ये एच सी डबल बॉन्ड ओ एच से करवा दी। तो देखो ये सी एच टू पर एल्फा कार्बन का प्रोटोन एसिडिक होता है, तो इसलिए एल्फा कार्बन कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बन कार्बन अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज एल्फा कार्बन से प्रोटोन को पिकअप कर लेगा, तो सी एच थ्री सी एच और क्या बन गया ओ एच। तो चेक करो सी एच थ्री सी एच ओ एच, फिर क्या है सी एच टू सी डबल बॉन्ड या कह दूँ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं किस में कन्वर्ट होता है एसिड। देखिए एल्डिहाइड है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, उसका जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं किस में कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक। यदि हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से अपन को ये पूछे कि हीट किया जाए तो क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर से यदि ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्या आई तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।